आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का पहला नंबर का सवाल देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़े हुए हैं। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं और ये विभाजन सूत्र कैसे बना है हम लोग उसको भी सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को जानना क्या चीज है कि उस विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहला नंबर का सवाल देखते हैं। 7.2 का पहला नंबर का सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि कहता है कि कोई बिंदु A है आपका, ठीक है, जिसका निर्देशांक जो है -1 और 7 है। उसके बाद आपका दूसरा वाला बिंदु जो है आपका वो 4-3 है, ये बी पॉइंट है आपका। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है ये पॉइंट ए और बी, ये दो पॉइंट है। इस दो पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसको कोई बिंदु जो है पी, जिसका निर्देशांक एक्स वाई है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये बिंदु है, ये बिंदु बी है, इस दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु जो है पी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बोल रहा है कि इस बिंदु P का निर्देशांक क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो आपका M1 का मान है और ये आपका क्या है M2 का मान, यहाँ पे 3 है M1 और M2। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से किसी को भी हम लोग X1 और Y1 मान सकते हैं, X2 Y2 मान सकते हैं। ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है। इसको X1 मानेंगे तो ये Y1 हो जाएगा, X2 मानेंगे तो Y2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो आपका फॉर्मूला में यूज होता ही होता है। तो ये फिगर हम लोग ड्रॉ भी करेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग आगे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल में पूछा गया है वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वह वांछित बिंदु पी एक्स वाई है, जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, जो जो क्या करता है बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक -1, 7 तथा बी 4-3 को मिलाने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है 2:3, यानी कि M1:M2 जो है वो किसके इक्वल है 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, तो यानी कि ये बिंदु P है जो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक, तो हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे, इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली क्लियरली रूप से कर सकते हैं। ये फिगर आप लोग दिखा दीजिएगा, यहाँ पे जो ये एम बराबर जो है M1 = 2 है और ये जो है आपका M2 = 3 है और ये बिंदु P है और इसी बिंदु P का जो हम लोगों को क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है, इस चीज को दिखा देना है। ये फिगर ही सब कुछ कहना है एक तरीके से। ठीक है, और ये पॉइंट P शो कर देना है।
ठीक है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है M1 का मान, M2 का मान, X1, Y1, X2, Y2 लिख सकते हैं, समझने के उद्देश्य कि मिसप्रिंट सवाल में ना हो। लेकिन हम लोग अगर जानेंगे तो नहीं लिखेंगे, हम लोग जान इसको X1 मानेंगे तो Y1 नहीं होगा, अगर X1 इसको मान लिया तो ये X2 हो रहा है, सिंपल सी बात। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे अब विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या करता है, उस वांछित बिंदु P का निर्देशांक दे देता है x y, जो किसके इक्वल होता है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y1 y2 उसके बाद m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यही ना होता है। हम लोग विभाजन सूत्र यही पढ़े हुए हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लिख दिए, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते, इतना भी कैपेसिटी हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m1 का मान देखिए क्या, m1 अनुपात m2 है ना, तो m1 जो है 2 के इक्वल होगा, m2 जो है किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक। तो m1 का मान यहाँ पे 2 है गुना x2 है, x2 देखिए हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, ये देख लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी x2 के जगह पे 4 है ना, x2 का वैल्यू 4 हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस m2 का वैल्यू कितना है तो 3 है, उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है तो माइनस 1 है, तो हम लोग गुना में माइनस 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद नीचे में क्या है, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, कोई दिक्कत, कोमा है तो कोमा दे देंगे, ठीक। उसी प्रकार से m1 का मान लिख देंगे हम लोग 2 और y2 का वैल्यू क्या है माइनस 3, तो हम लोग गुना में लिख देंगे माइनस 3, प्लस है तो प्लस, m2 का मान क्या है 3 है ना, m2 है ना 3 है। उसके बाद y1, तो y1 का मान कितना है गुना 7 लिख देंगे, और नीचे में क्या करेंगे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग लगा चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत है। तो हम लोग चूंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 गुना 4 है, तो जैसे ये मान पुट कर रहे हैं ना, हम लोग इस स्टेप को छोड़ के ये स्टेप डायरेक्ट लिख देंगे। अगर फॉर्मूला लिख दिए हैं तो हम लोग तो जान गए कि यहाँ पे 2 हो रहा है m1 का मान और x2 का मान 4 है, तो 2 गुना 4 लिखने के बदला डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप लिखेंगे, 4 गुना 8 है ना, गुना करेंगे तो ही आने वाला है। उसके बाद अब देखिए 3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस को भी गुना करेंगे, प्लस और माइनस को गुना करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, नीचे में क्या है 5, उसके बाद कोमा है तो कोमा, फिर देखिए 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और 2 के आगे में प्लस छिपा हुआ, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, उसके बाद 7 की 21 प्लस में हो जाएगा बट्टे 5, तो हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। तो हम लोग इस स्टेप के बाद ये भी स्टेप लिख सकते, लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा, मिस्टेक का कोई चांस नहीं होगा, एकदम क्लियरली रूप से सही आंसर आ गया। ऐसा लिखेंगे जल्दी जल्दी में गड़बड़ भी हो सकता है। तो अब क्या करें, 8 में 3 घटा देंगे 5, नीचे में क्या बचेगा 5, उसके बाद 6 में माइनस 6 में 21 को जोड़ेंगे, 6 रुपया क्या है मेरे पास उधार में है ना, कोई हमसे पाता है, माइनस 6 का मतलब क्या होता, कोई पाता है हमसे, और 21 रुपए मेरे पास प्रेजेंटली है, तो 6 रुपया ना पाता उसको दे देंगे निकाल, कितना रुपया फिर भी हम मालिक ही रहेंगे, 15 टका मालिक रहेंगे है ना, तो कितना बचेगा हम लोग के पास तो 15, नीचे में क्या है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो क्या आ गया 5 1 और यहाँ पे क्या आ गया 3 3। तो ये देखिए ये जो है आपका एक्स का
मान एक हो गया और y का मान क्या हो गया, तीन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, इसलिए वांछित या बिंदु P के, बिंदु P के वांछित निर्देशांक, बिंदु ठीक है, हाँ बिंदु P के वांछित निर्देशांक बराबर क्या आ गया आपका 1, 3 आंसर। तो समझ में आया, किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जो किसी भी रेखाखंड को कुछ भी अनुपात में विभाजित करता हो। तो यह आपका 7.2 का पहला नंबर का सवाल है और केसी सिन्हा का क्या है, दूसरा नंबर का सवाल है, पहला का दूसरा सेम सवाल है। तो यहाँ पे के एनसीईआरटी में तो ओनली वन सवाल है, लेकिन केसी सिन्हा में इस प्रकार का 2-3-4 सवाल है। तो आपको 2-3-4 सवाल क्या करना है, बनाना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, नहीं है दिक्कत, चलिए फोटो कॉपी खींचिए। चलिए अब हम लोग जो है 7.2 का दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं, जिसमें कहा गया है बिंदुओं 4-1 बिंदुओं -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड को तीन, यानी सम मतलब क्या होता है, बराबर, सम मतलब बराबर, त्रि का मतलब तीन, भाजित का मतलब भाग, यानी कि तीन बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो अब हम लोग अभी जो सवाल देखे 7.1.2 का पहला नंबर करता क्या था, कोई बिंदु ए और कोई बिंदु बी होता था, दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु पी जो है 2:3 में विभाजित किया था ना। तो यहाँ पे कोई अकेला बिंदु जो 2:3 में विभाजित करता है कितना भाग होता है, 2 भाग होता है, ठीक। यहाँ पे बोला कि तीन बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मान लिया कि कोई पॉइंट जो है आपका ए है, जिसका निर्देशांक जो है आपका 4-1 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है बी, उसका निर्देशांक -2, -3 है। ये दोनों बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया। तो बोला गया है कि इस रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदुओं, यानी कि वैसा बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो इसको समत्रिभाजित करेगा, यानी कि तीन बराबर भाग में। तो मान लिए कि ये बिंदु जो है आपका P है और ये बिंदु जो है आपका Q है, ये आपका P, ये आपका Q। अब गौर से देखिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग बन गया, ठीक है। ये भाग थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको हम लोग घन भाग बना देते हैं। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग कहां से दिखे, तीन ही भाग में हुआ। तो यहाँ पर तीन बराबर भाग आपको दिखने लगता है। तो यहाँ पर क्या, तीन बराबर भाग में बांटने के लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, दो बिंदु लेना होगा, तभी ना तीन बराबर भाग बनेगा आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए कि माना कि बिंदु P तथा बिंदु Q क्या करता है, रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके काम करेंगे, इस P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तथा Q बिंदु का हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक्स वाई है और क्यू को हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ यूज करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एक्स वाई मान लेते हैं, इसको एक्स डैश वाई डैश मान लेते हैं, पी का निर्देशांक तथा क्यू का निर्देशांक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। यहां पे देखिए, ये P और Q हम लोग मान लेंगे, माना कि बिंदुओं या बिंदुएं A,
बिंदु है पी तथा क्यू रेखाखंड ए बी को, ए बी यहां पे रेखाखंड है, इसको ए बी मान लिए बिंदु को, रेखाखंड ए बी को क्या करता है सम त्रिभाजित करता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं। चलिए जैसे ही हम लोग ऐसा कर लिए उसके बाद चलिए अब हम लोग एक एक करके काम करेंगे। ये जो बिंदु P है हम लोग इसके पर सोचते हैं, इस बिंदु Q को आप भूल जाइएगा, नजर भी ना आना चाहिए। तो ये देखिए बिंदु P जो है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित अनुपात टू में विभाजित करेगा। क्यों करेगा, देखिए इधर आपका एक भाग है, इधर आपका कितना भाग है, दो भाग है कि नहीं। तो ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग Q बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहेंगे, ये जो Q बिंदु है इस रेखाखंड A और B को क्या कर रहा है, दो, इधर देखिए दो भाग है और इधर कितना भाग है, वन है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोग अब एक एक करके काम करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है, ठीक है, वो बिंदुओं A तथा B, हम लोग निर्देशांक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है A तथा B को जोड़ने वाले रेखा खंड को क्या करता है जी, 1:2 है ना, यानी कि n1:n2 बराबर 1:2 के अनुपात ना, एक मिनट है ना, बिंदु P जो है बिंदु A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को है ना आंतरिक रूप से, यहां पे लिख दिया जाएगा, ये वाला छूट गया आपका है ना, आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए हम लोग लिख देंगे पी एक्स वाई बराबर, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बैठा सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर चुके हैं पहला नंबर के सवाल में, जान चुके हैं फॉर्मूला को, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू को बैठा देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या होता है वो देखिए, m1 x2 होता है ना, तो यहां पे देखिए m1 का मान क्या है आपका 1 है, m2 का मान 2 है, उसके बाद देखिए x1 का मान यहाँ पे 4 है और y1 का मान -1 है, x2 का मान यहाँ पे -2 है, y2 का मान -3 है। तो हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, m1 यानी कि 1 × m1 x2, तो x2 का मान क्या है -2 है प्लस m2 तो 2 है, x1 का मान 4 है, बट्टे m1 + m2 यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, उसके बाद कोमा m1 का मान 1, उसके बाद क्या जाता y2, तो y2 का मान क्या है -3 प्लस m2 का मान 2 और इसका मान क्या है -1 है ना। नीचे में क्या आ जाएगा 1 + 2 m1 + m2, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो -2 × 1 करेंगे तो -2 + 4 × 8 / 3, उसके बाद -3 × 1 करेंगे तो -3 और यहाँ पे 2 × 1 करेंगे माइनस है तो -(+-)2 आ जाएगा / 3, उसके बाद यहाँ पे अब दोनों को जोड़ देंगे तो -2 और +8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे 3
और माइनस दो सॉरी माइनस तीन और माइनस दो को जोड़ेंगे तो पांच बट्टे थ्री आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखिए ये तो कटेगा दो बार में, तो ये आ गया दो माइनस पांच तीन, ये आपका क्या हो गया बिंदु P का निर्देशांक निकल गया आपका x y। तो ये आपका पहला P बिंदु का निर्देशांक निकला दो कोमा माइनस फाइव बाय थ्री, जो रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु Q के पास आएंगे, लिखेंगे बिंदु Q, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको उतारिए, तब हम लोग इसी में क्या करेंगे दूसरा वाला डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग उतारिए पहले। चलिए अब हम लोग जो है हम लोग P बिंदु का तो निर्देशांक ज्ञात कर लिए, यहाँ पे और एक बिंदु है आपका Q, इस बिंदु का भी क्या करना होगा निर्देशांक निकालना होगा। तो यहाँ पे ये बिंदु जो Q है, ये बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, इधर दो भाग है, इधर आपका कितना भाग है वन भाग है, तो ये आपका 2:1 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पर यहाँ जो है बिंदु Q एक्स डैश वाई डैश बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1:2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे डायरेक्टली लिखेंगे, therefore विभाजन सूत्र से Q x डैश वाई डैश बराबर, अब इधर वैल्यू चेंज करना होगा है ना, तो इधर हम लोग चेंज करते हैं। तो यहां से हम लोग अब क्या देखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखने से मिस्टेक का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या होता है फॉर्मूला में m1 x2, तो m1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए 2 है, m1 x2, तो x2 यहाँ पे क्या है माइनस टू है, तो गुना माइनस टू लिख दिए, m1 x2 प्लस m2, तो m2 का मान क्या है यहाँ पे 1, x1 का मान 4, नीचे में क्या आ जाएगा आपका 2+1, उसके बाद कोमा m1 y2, तो m1 का मान तो 2 ही है, y2 का मान क्या है माइनस 3, प्लस m1 का मान 1 है, उसके बाद m1 का मान 2 है ना, सॉरी m1, हाँ m1 का मान तो यहाँ बोले तो 2 है, सो यहाँ पे y m2 लेंगे ना, m1 y2 m2 y1, तो m2 का मान 1 और m1 y2, अच्छा m1 y2 तो ले चुके हैं ना जी, m2 y1 लेंगे अब, ठीक है, m2 तो y1 यहाँ पे क्या है माइनस 1, नीचे में क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, तो यानी कि 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखिए 2 × 2 माइनस 4 हो जाएगा और 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में आ गया यहाँ, तो उसके बाद देखिए 3 × 6 तो माइनस 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 × -1 तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, उसके बाद देखिए 4 − 4 + कट गया क्या बचा 0/3 कोमा −6 − 1 − 7/3, तो अब देखिए 0/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद कोमा −7/3 कटेगा क्या, ये आपका −7/3 क्या हो गया 3 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए Q बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो अब हम लोग इस तरीके से लिख देंगे है ना, इसलिए वांछित निर्देशांक बराबर है ना, वांछित निर्देशांक P का, तो P का निर्देशांक जो हो गया वो लिख दीजिए x y बराबर आपका कितना हो गया था, कितना था क्यों का ना सर x डैश y डैश, ठीक है, पहले वाला कितना था P का 2 − 5 / 2 − 5 /
तीन था तथा क्यू एक्स डैश वाई डैश बराबर कितना निकला है आपका 0 -7/3। तो यही वांछित निर्देशांक है P और Q का, जो बिंदु A तथा B रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। इस प्रकार का सवाल जो भी आया उसी प्रकार से सम चार यानी कि चार भागों में भी बिंदु यानी कि चार भागों में भी जो बिंदु ज्ञात यानी कि डिवाइड करता है ना, उसका भी निर्देशांक क्या करेगा, डिमांड करेगा। वहां पे तीन तीन पॉइंट होगा आपका, तीनों पॉइंट को निकालना है आपको। उस तरीके का भी सवाल आपका कैसे सन्हा के बुक में दिया गया होगा।